नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नारायणी भट्ट और आप देख रहे हैं कभी न्यूज। आम नागरिक को मानव ढाल के रूप में जीप में बांधकर घुमाने वाले मेजर गोगोई पर आज हम बात करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट पर। जी हां, 2017 में जम्मू कश्मीर के बड़गाम के फारूक अहमद डार नामक आम नागरिक को मानव ढाल के रूप में जीप के बोनेट पर बांधकर कई जगहों पर परेड कराने वाले मेजर गोगोई एक बार फिर अपनी हरकतों को लेकर सुर्खियों में है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के चर्चित मेजर गोगोई गंभीर आरोप के चलते हिरासत में ले लिए गए हैं। दरअसल ड्यूटी रिज्वाइन करने के से पहले ये आर्मी ऑफिसर लड़की के साथ रात बिताने वाले थे। बता दें कि मेजर गोगोई ही वो अधिकारी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में युवक को जीप के बांधकर उसका जुलूस निकाला था। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने बताया कि होटल ग्रैंड ममता होटल से कॉल आने के बाद आर्मी ऑफिसर नाबालिग और एक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। लीतुल गोगोई को होटल मैनेजर ने एक युवती के साथ उनके द्वारा बुक कराए गए कमरे में घुसने नहीं दिया। इससे पहले वह मेजर के ड्राइवर और होटल के कर्मचारियों के बीच झगड़ा भी हो गया, जिसमें बाद में गोगोई खुद शामिल हो गए। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस गोगोई, उनके ड्राइवर और युवती को पूछताछ के लिए खनियार पुलिस स्टेशन लेकर गई। हालांकि पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है, लेकिन इससे इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। गोगोई को वापस होटल जाने की इजाजत नहीं दी गई और उन्हें उनके यूनिट को सौंप दिया गया है। क्या है पूरा मामला? होटल के मालिक मंसूर अहमद ने बताया कि आर्मी मेजर ने ऑनलाइन होटल की बुकिंग करवाई थी और श्रीनगर एयरपोर्ट से होटल पहुंचे। अहमद ने बताया कि गोगोई ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर दो लोगों के नाम लिखाए थे। होटल मैनेजमेंट ने उनसे दो आधार कार्ड देने के लिए कहा। इसमें से एक लोकल कश्मीरी लड़की का था जो कि नाबालिग थी। होटल का कमरा असम से गोगोई के नाम से बुक किया गया था। वह चेकआउट 24 मई को करने वाले थे, लेकिन मेजर चेकआउट टाइम से थोड़ा पहले होटल पहुंचे, तो वहीं मेजर गोगोई एक युवती के साथ होटल में घुसना चाहते थे। होटल स्टाफ ने युवती के साथ घुसने की अनुमति नहीं दी, इस पर वह झगड़ा हो गया। पुलिस ने गोगोई से पुलिस स्टेशन में पूछताछ की, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। कश्मीर में आईजीपी एसपी पड़ी ने मामलों में जांच के आदेश दिए हैं और एसपी नॉर्थ सिटी सज्जाद अहमद शाह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शाह ने कहा कि वे इस बारे में विस्तृत जांच कर रहे हैं। अभी तक कहानी यह है कि लीतुल गोगोई के नाम पर होटल में एक कमरा बुक किया गया था। एक जोड़ा होटल आया, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। होटल के स्टाफ ने कहा कि वे एक स्थानीय महिला को अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। इसके बाद इस रिसेप्शन पर ही झड़प हो गई। होटल के स्टाफ ने तत्काल ही पुलिस को बुलाया। इसके बाद आई पुलिस पार्टी गोगोई है ना स्थानीय महिला और व्यक्ति को अपने साथ लेकर चली गई। तो वहीं इस घटना की जांच के बाद पुलिस ने बताया कि जांच में हमें कुछ नहीं मिला है। लड़की बालिग है और उसकी उम्र 18 या 19 के आसपास है। हमने जांच के बाद ही उन्हें जाने दिया है। पुलिस ने कहा कि मेजर गोगोई को उनकी यूनिट को सौंप दिया गया है। पुलिस के बयान में कहा गया कि बड़गाम की एक महिला और समीर अहमद नाम का व्यक्ति मिलने आए थे, लेकिन होटल के स्टाफ ने उन्हें मिलने नहीं दिया। इस बीच पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और सभी को पुलिस स्टेशन ले आई। उन्होंने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि महिला सेना के अधिकारी से मिलने आई थी। सेना के अधिकारी की पहचान पुलिस द्वारा की गई है और उसका बयान दर्ज करने के लिए उस लड़की को यूनिट को सौंप दिया गया है। महिला का बयान भी दर्ज किया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है। होटल के मालिक ने कहा कि मेजर के साथ स्थानीय महिला को देखकर उन्होंने बुकिंग से इनकार कर दिया। होटल ग्रैंड ममता के इजाज अहमद चाशू ने कहा, बुधवार की सुबह booking.com से हमें ऑनलाइन बुकिंग मिली थी। बुकिंग लीतुल गोगोई के नाम से थी, जो कि एक रात के लिए दो गेस्ट की खातिर की गई थी। अपनी ऑनलाइन बुकिंग में मेजर गोगोई ने कहा था, मैं बिजनेस के सिलसिले में यात्रा कर रहा हूं और हो सकता है कि बिजनेस क्रेडिट कार्ड का उपयोग करूँ। उन्होंने कहा, रिसेप्शन पर हमने उनसे पहचान पत्र मांगा तो गोगोई ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया। महिला पहले तो अपना पहचान पत्र देने में हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर आधार कार्ड दिया जिस पर बड़गाम का पता लिखा हुआ था। हमने महसूस किया कि लड़की स्थानीय है और नाबालिग दिख रही थी। आधार कार्ड पर जन्मदिन का वर्ष 2001 लिखा हुआ था। हमने उन्हें बताया कि हमारी पॉलिसी के मुताबिक स्थानीय लोगों को हम होटल की सुविधा नहीं देते हैं, खासतौर पर जब तब एक लड़का और लड़की हूँ।
उन्होंने कहा कि गोगोई वापस लौट जाएं। जब हम उनका सामान कार में रखने गए तो गोगोई के पास उस समय काले रंग की अल्टो कार थी जिसमें कश्मीरी ड्राइवर उनके साथ था जो उनके साथ होटल पहुंचा था। तो उस ड्राइवर ने कार में हमें सामान रखने की इजाज़त नहीं दी बल्कि हमें बेइज्जत किया। ड्राइवर कार से बाहर निकल कर आया और होटल के रिलेशनशिप मैनेजर पर चिल्लाने और मारपीट करने लगा। इसके बाद हमने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने ड्राइवर की पहचान समीर अहमद के रूप में की है जो कि बड़गाम का निवासी है। इस पूरे मामले पर फारूक डार ने कहा कि हमारे आसपास यह सब क्या हो रहा है। इस शर्मनाक हादसे से मेजर का असली चेहरा सामने आ गया है। प्रवक्ता ने बताया कि कश्मीर की पुलिस महानिदेशक SP पड़ी ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच पुलिस अधीक्षक उत्तरी जोन करेंगे। मेजर गोगोई कैसे आए सुर्खियों में? मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले के बिरवाह में सेना के 53 RR में तैनात गोगोई पिछले साल तब सुर्खियों में आए थे जब उन्हें 9 अप्रैल 2017 को जिले के चिलब्रास गाँव के निवासी फारूक अहमद डार को सेना की जीप पर बांधा था जिसे लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी। ये घटना श्रीनगर बड़गाम लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दिन की गई है। गोगोई ने डार को इस तरह से जीप से बांधकर करीब 5 घंटे तक कई गांवों में घुमाया। उन्होंने ऐसा कश्मीरियों को यह चेतावनी देने के लिए किया कि सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने वालों का यही अंजाम होगा। शॉल बुनने का काम करने वाले डार दरअसल वोट देने वाले चंद गांव वालों में शामिल थे। गौरतलब है कि इस चुनाव में महज 7% मत पड़े थे जो इस क्षेत्र के लिए अब तक के सबसे कम है। इस दिन गुस्साई हुई भीड़ ने कुछ मतदान केंद्रों पर हमला करने की कोशिश भी की जिसमें सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 8 नागरिक मारे गए थे। डार के साथ हुए बर्ताव पर दुनिया भर से कड़ी प्रतिक्रियाएं आई मगर सेना ने यह कहकर इस कदम का बचाव किया कि बड़गाम का युवक पत्थर फेंकने वाली भीड़ को भड़का रहा था और वह शायद उनका नेता था। 29 मई को सेना अध्यक्ष विपिन रावत ने यह कहकर डार के मानव कवच के तौर पर इस्तेमाल किया जाने का बचाव किया था। सेना जम्मू और कश्मीर में एक गंदा युद्ध लड़ रही है जिसे नए तरीके से लड़े जाने की जरूरत है। उन्होंने मेजर गोगोई को उग्रवाद विरोधी कार्रवाई में उनके योगदान के लिए सेना प्रमुख के प्रशंसा मेडल से सम्मानित भी किया था। फिलहाल आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।